लॉ एंड ऑर्डर जो है जब से एनडीए की सरकार आई है तब से बद से बदतर होती जा रही है। इन लोगों का प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया। अब 4 जून को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनने जा रहे हैं। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। लॉ एंड ऑर्डर जो है जब से एनडीए की सरकार आई है तब से बदतर होती जा रही है। इन लोगों का प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया। और जिस तरह से गोली मारी गई एक छात्र को, उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और सज़ा दिलाना चाहिए लोगों को। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है, जितना अपराध बढ़ता है इनको अच्छा लगता है। भाजपा के लोग आज तक सृजन घोटाला में क्या हुआ उस पर कार्रवाई नहीं, बालिका गृह कांड पे कोई कार्रवाई नहीं, वो तो हम लोग आंदोलन करके लड़े तब जाकर के कार्रवाई हुई। लेकिन आप देखिएगा अभी भी सब चीज़ ठंडे बस्ते में। खैर, इन लोगों की मंशा जो है पूरा जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है आप देखिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बद से बदतर, दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है। यही राष्ट्रीय जनता दल सरकार में होती तो अब तक बवाल मचा दिए होते, अब तक ये रोड पे लेट करके हाय हाय कर रहे होते, जोर जोर से चिल्ला करके जंगल राज बोल रहे होते। आज कहाँ है ये लोग, क्या कर रहे हैं ये लोग, हाय हाय क्यों नहीं कर रहे हैं, करना ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरे देश में सबसे अच्छा चौकाने वाला रिजल्ट है वो बंगाल से आएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री हार चुके हैं भाई साहब। अब 4 जून को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनने जा रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, नई सरकार बनने जा रही है। वैसी सरकार बनेगी जो नौजवानों को नौकरी देगी, वैसी सरकार आएगी जो गरीबों के साथ आर्थिक न्याय करेगी, ऐसी सरकार हम लोग देने जा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी 10 साल हो गए, 75 साल के हो गए, और हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं भाजपा का सफाया हो गया। अरे भाजपा के लोग ही नहीं चाहते नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, औरों को तो छोड़ो। ये इंडिया गठबंधन बैठक होने वाली है, हाँ बैठक होगी तो उसमें जो है हम लोग जाएंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं 4 जून के बाद, हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। के साथ आएंगे क्या? अब आप जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिए। चलिए, अरे 4 जून तक इंतजार करो, 4 जून तक इंतजार कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।